मेरा नाम संगीता अग्रवाल है। हम लोग शिवगोरी सेवा मंडल से हैं। आज हमारे यहाँ शिवगोरी सेवा मंडल में कश्मीरी भाइयों के ईद का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। सभी कश्मीरी भाइयों के लिए ईद मुबारक का हमने इंतजाम किया, उनके खाने पीने का, और एकता और भाईचारे को बनाने के लिए हमने अपना कदम बढ़ाया है ताकि हमारा और कश्मीरी भाइयों का जो प्रेम और प्यार है यहाँ पे कश्मीर में वो बना रहे। ईद मुबारक। आज हम यहाँ पे शिवगोरी मंडल में हम सब मिलके हमारे यहाँ के प्रधान जो विकास भाई, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, हम सब ने मिलके हम ईद मनाई। कोई डिफरेंस नहीं लगा हमें यहाँ और घर का। जिस तरह हम घर में ईद मनाते हैं उसी तरह हम यहाँ भी, ये लोग जिस तरह के यात्रियों की सेवा करते हैं उसी तरह इन्होंने हमारे लिए एक सेपरेट प्रोग्राम रखा था। हम इनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों ने हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग भी घर से बाहर हैं। तो दिल से शुक्रिया। एक मैसेज देना चाहेंगे पूरे देश को कि धर्म जात वात सब कुछ जो है वो अलग है, हम एक हैं और हमें एक होके रहना चाहिए। जिस तरीके से आज ये लाइव एग्जांपल हमने यहाँ पे क्रिएट की, साथ हमने कोई यहाँ पे धर्म मज़हब का कोई इशू नहीं देखा, हम सब ने एक में इन लोगों ने हमारे साथ ईद मनाई, इसके लिए थैंक यू। शिवगौरी सेवा मंडल भंडारे से जुड़ा हुआ सदस्य हूँ। हम ये कश्मीर में आके अपना भंडारा लगाते हैं। आज ये मौका आया है कि भंडारा लगाते समय हमारे मोमडन भाइयों का ईद का समय आया है, तो हमने अपने भंडारे में ईद का प्रोजन किया है। ईद अपने मुसलमान भाइयों को अपना समय दे करके खाने का प्रबंध किया है, और अगर हमारे आने वाले समय पर भी अगर भंडारे के समय इसी तरह ईद का समय आता रहेगा तो हम इसी तरीके से करते रहेंगे। जय बोले। यू करके निकला वहाँ से डायरेक्शन लेंगे सारी फिर घुमानिया। सर आज विकास ने हमें बुलाया ईद के मौके पर, हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम भी घर से बाहर हैं, तो हमें पूरा यकीन दिलाया कि हम भी आपके खुशी के साथ है, ईद की खुशी के साथ है। और दूसरी बात ये कि जो कल वहाँ गुफा में हादसा पेश आया है, हमें भी बहुत दुख है कि इंसानियत का मतलब जो जाने गए हैं, हमें भी इस चीज़ का दुख है। वाकई इंसानियत के विकास ने आज इंसान का इंसानियत का सबूत दिखाया है इस चीज़ का कि जो हमारा आज फेस्टिवल था उसके साथ हमें शाना बशाना खड़ा है। वाकई सर शुक्रिया। ये एक मिनट ना। हाँ पूरी हो हेलो 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 पापा बोल रहे हैं चारों तरफ हम Yeah, I'm right there.
मैं मनोज शर्मा शिव गोरी सेवा मंडल के भंडारे से बोल रहा हूँ। आज ये हमारे लिए खुशी का दिन है कि आज ईद है। ईद का पर्व हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मना रहे हैं और हमने अपने भंडारे में कश्मीरी भाइयों को बुलाकर उनके भोजन का जो है हमने इंतजाम किया है और आप सभी देख रहे हैं कि वो सभी लोग हमारे साथ मिलकर यहाँ पे भोजन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारा भाईचारा ऐसे ही कायम रहे। जय हिंद। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और मैं शिव गौरी सेवा मंडल दिल्ली तिरंगे वाले भंडारे से हूँ और आज हमने ईद उत्सव के लिए अपने कश्मीरी भाइयों के संग एक ईद के लिए हमने उनके लिए खाने का प्रोग्राम रखा है जिसमें उनको हमने भोजन कराते हुए ये मिसाल दी है जिससे कि हम अपना भाईचारा जो कि कुछ संप्रदाय ऐसे हैं कि जो हम लोगों को अलग अलग करना चाहते हैं आज भी हम इसको साबित करना चाहते हैं कि हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं और हिंदुस्तानी हैं। जय दिए सुर तो कल कल कर दुनिया खुदा का वास्ता मेरे दुखी हो के बगरने स्टार्ट। मैं विकास शर्मा शिवगुरु सेवा मंडल का प्रधान सेवक। हम पिछले 16 वर्षों से अमरनाथ यात्रा भाईताल पर भंडारा लगा रहे हैं और हर वर्ष तिरंगे वाला भंडारा ईद को यहाँ के लोकल मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर कश्मीरी भाइयों को लेकर सेलिब्रेट करता है और जैसा आप देख रहे हैं कि हम आज भी क्या नाम है ईद को यहाँ के अपने मुस्लिम भाइयों के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हम हमारे और इनके बिना यात्रा संभव नहीं है बिल्कुल भी। हम मिलजुल कर सारे अमरनाथ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं और सेवा करते रहेंगे। अभी जो गुफा में ये आपदा आई है इसमें सभी भंडारे वाले एनडीआरएफ पैरामिलिट्री फोर्स प्लस ये जितने भी कश्मीरी भाई हैं जी जान से लगे हुए हैं और रेस्क्यू कर रहे हैं और बाबा से कहना प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाए। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भोलेनाथ शिव गौरी सेवा मंडल तिरंगे वाला भंडारा जिसके हम सेवादार हैं। हम सब मिलके आज कश्मीरी भाइयों के साथ ईद मना रहे हैं। इससे हमारा मैसेज आगे जाना चाहिए, भाईचारा हमेशा बना रहे और इसके लिए हम आगे ऐसे कदम बढ़ाते रहेंगे और ऐसे काम करते रहेंगे। जय हिंद जय भारत।